Yes, I'm good. फिर सत्तर का फोन आ गया. अब हम इसमें 90 लिखा आ रहा है. भेज नहीं होगा. आप देख रहे हैं पहले तो आप अंदर देख लो. सतबली से बाहर निकल गए हम लोग. यकीनन सतबली डिस्ट्रिक्ट में तो होंगे. इधर भी मंजर देख लो आप सामने. यार वो देख पीछे वाली देख कैसी है. क्लिफ कैसी बनी हुई है पीछे वाली देख. डिफरेंट है बिल्कुल. ये देखिए यार आप. ये देखिए आप कटी पहाड़ी ज्यादा ही कट गई है. तो जनाब अब सतबली से हम लोग ना रवाना हो गए हैं पेरी साउंड की तरफ. अभी भी यहाँ से 180 किलोमीटर है. सतबली से 200 था, टोरंटो से 400 था और अब यहाँ से टोरंटो से ही 380 किलोमीटर 370 किलोमीटर. अगर मैंने वो जो बताया था फलाना जगह कि हम वहाँ से जाना चाह रहे थे सतबली की जहाँ मैंने वीडियो क्लोज किया उससे पहले उधर से जाते हैं और उस पोर्ट से कश्ती में गाड़ी रख के टूबर मोरी तक जाते हैं. टूबर मोरी भी हमारे टारगेट में. साथ साथ मंजर भी देखते चलो आप लोग. ये देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है. सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है. इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना इस पर मुझे अच्छा लगता है. अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा. इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे. अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के अल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए. आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा. तो उसमें जो है ना हमें जगह नहीं मिली. फेरी में जो गाड़ी रख के जाती है ना टूबल बोली हमारा वो भी कवर हो जाता. तो अब जो है बेरी साउंड के इलाके आपको दिखाते हैं. वहाँ घुमाते हैं, वहाँ भी अट्रैक्शन सर्च कर देता हूँ. कुछ हिस्ट्री में देख लेता हूँ क्या है वो बयान कर दूंगा. तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी. कोशिश में टेम्परेचर इस वक्त 25 डिग्री के लगभग है. फीस लाइट भी वैसे ही हो रहा है और दो जलाइए तीन से गाजर लोग अलहमदिल्ला आज के लिए गए होंगे. अल्लाह जिनका कबूल कर पाए. घर क्या मना रहे बाकी मैंने आपको वहाँ जाके दिखा दिया. और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं. नहीं 3 बज चुके. देख लो भाई क्या मजेदार लोकेशन है. कैश कैम बना दिया मैंने इसको. और बैक टू हम पत्थरों के ऊपर इस बीच में कुछ सीमेंट का किया हुआ है. इतने मौसम नहीं है सीमेंट का बेस बनाया हुआ है. भाई मैंने जो पेरी साउंड के बारे में पढ़ा है ना 1850-60 से काम है. यानी सतबली नॉर्थ बे वगैरह से पहले ही काम है. 18 से 90 लगा दिया मैंने. 90-95 पे जो है ना 108 पे इसको बाकायदा टाउन का हैसियत मिली. 2016 में सेंसस हुआ लेकिन अब तक की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के मुताबिक 6900 से कम पॉपुलेशन. और यहाँ पे दुनिया की सबसे गहरी फ्रेश वाटर पोर्ट है. कैनेडियन कोस्ट गार्ड का इधर ऑफिस भी है, तैनात है यहाँ पे. और सैम्यूल कुछ करके और एक और जो है तैनात हुए वेसल्स, मेरे ख्याल में वेसल्स ही हैं. तो ये
मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो भाई अब 20वीं सदी के अवाइल में शुरू में ना कुछ सीनिक जो उसकी सीनरी वगैरह खूबसूरती है ना इस इलाके जाम जा रहे हैं पहली साहब, वो जो है टॉम थॉमसन करके साहब हैं उन और ग्रुप ऑफ सेवन के आर्ट वर्क की वजह से बहुत पॉपुलर है। फिर इसकी पॉपुलैरिटी और ज़रूरत गिरती गई वर्ल्ड वॉर वन के बाद। जनाब एक साम है टिम मैं देख लेता हूँ दोबारा जे आर बूथ्स, उन्होंने जो है करीबी डिपू हार्बर एक टाउन बना दिया, लेकिन फिर दोबारा पैरी साउंड रिवाइव होने लगा टूरिज्म की वजह से और तजारत के काम की वजह से। फिर 14 अगस्त 1945 को वो टाउन तफाकन एक्सीडेंटल आग लगने से जल गया। इसका मतलब है उस दौर के मुकाबले छोटी छोटी जगह होती थी तो दोबारा पैरी साउंड में ज़िंदगी रौनकें बहाल होने लगी, उसकी अहमियत बढ़ती रही। इसके अलावा मैंने इस पर पढ़ा है कि ये जो है ना एमुनेशन वगैरह के लिए ना यहाँ बहुत बनता रहा वर्ल्ड वॉर वन टू में, यहाँ एमुनेशन यहाँ से बहुत सप्लाई होता था। अब जनाब जो इसका पैरी साउंड नाम है ना जो जिसका पानी का वो टुकड़ा जिसकी बेस पे इसका साउंड वाले हिस्से का नाम पड़ा, वो जनाब एक साहब थे कैप्टन हेनरी वुल्जे बेफील्ड, 1916 में इसको इसका नाम दिया और उन्होंने नाम दिया कि आर्कटिक एक्सप्लोरर। जिस तरफ से हम आ रहे हैं इसी तरह बहुत आगे कई दिन जाना पड़ेगा आर्कटिक का, कनाडा का परमा फ्रॉस्ट एरिया ना जहाँ मुस्तकिल बर्फ रखे, वहाँ पर एक साहब थे सर विलियम एडवर्ड पेरी, उनकी मुनासबत से इसको वो और पानी का टुकड़ा पेरी और साउंड तो पेरी साउंड इसका नेम पड़ गया। तो जनाब मॉडर्न टाउन साइट जो है ना 1857 में काम हुई और वो एजिवा विलेज जो एजिवा फैमिली और ग्रुप का मैंने थंडर क्या कहते हैं अभी जो पहले हम आ रहे हैं यहाँ से नहीं हाँ सटबरी उसके करीब जिस फैमिली का जिक्र किया था, तो एजिवा विलेज है अजोबिया कबाइल का विलेज है वसाक सिंह जिसका मतलब है शाइनिंग शोर, और ये बिल्कुल इंट्रेंस पे या माउथ पे है सीक्विन रिवर के ऊपर। और एज अ टाउन इसको जो हैसियत दी गई बकारा से 1887 में दी गई और 19वीं सदी के आखिर में अवाइल में यहाँ पे जो है रेल सर्विस कायम की गई। हमें फिर 172 अभी तक हमने जलाई थी 175 और पीछे हमने क्या देखी ये भी बता दे 169 जाने का रास्ता सुनानी अच्छा ये जहाँ पे तो सस्ता वाला लाइन देख ये तो मुफ्ता स्माइल हो गया है। 100 meters turn right on the Trans Canada Highway Ontario 69 South। अब देख दिखा जा रहा पानी के अंदर कूद रहा तू ये देख पानी पिला रहा है। अबे पानी नहीं है ये इसका कलर है ये वो जो है ना पीछे 169 भी आई है ना क्या वो तो और सस्ती थी 169 नहीं और सस्ती थी 165 ना लगा यार क्या 210 220 190 175 171 और 165 67 और यहाँ पे भी आप देख लो कितनी लाइन लगी पड़ी है। इसका मतलब पेट्रोल नीचे आने वाला है यूं घूम के एक दो दिन में वैसे ही नीचे आ रहे हैं जिनके यहाँ पहले ही आ चुका है ना सस्ता वाला सस्ता ही दे रहे लोग ऐसे लाइन लगा रहे हैं तो बता रहा हूँ ना न्यूज थी ना अभी कि डिप आएगा अचानक से नीचे। तो पेरिस साउंड जाते जाते एक और जगह में सस्ती गैस मिल गई पहले सटबरी जाते हुए मिल गई थी और देख लो आप यार कितने लोग लाइन में लगे। तो वो दोस्तों पूरा गाड़ी में आएगा मैंने सोचा यार मास रिकमेंडेड बट बियर टू वर यू वॉश योर हैंड्स तो बियर बनाया भाई क्या लुक लग रही है सस्ती गैस गैस कितनी सस्ती हो गई। शाह वानागा गैस एंड वैरायटी वैरायटी स्टोर का मतलब होगा वो खाने पीना ग्रोसरी हवा बहुत प्यारी है यहाँ सोचो समर में ही हालत है इतना टेम्परेचर नहीं है
तो क्या होता होगा वैसे? चूली कैनेडियन कंपनी सेंट एंड जिमीज, दो बोतलें गेटोगेट की, पता नहीं कौन सी पावर ड्रिंक की, मास्क हाइगन डेज तो बड़ी ज़बरदस्त होती है। क्या लग रहा है ज़बरदस्त यार। मैं इतना आगे आ गया, इसका अभी तक नंबर नहीं आया। आइस ले लो, ठंडा करने वाली होती है, पता नहीं इसको ये वुड चिप्स वगैरह है फायर के लिए, बोन फायर। कहाँ पहुँचा वो? तो भाई अभी मैं अभी आपको मंदिर दिखाता हूँ, पता नहीं पोर्चे या कौन सी लग्जरी गाड़ी है। अभी आपने अगर $100 की गैस भरवानी है तो आपको तकरीबन $20 का फ़ायदा, $50 और $10 का फ़ायदा, कितनी देर से हम लाइन में लगे हैं ना, ये एस्पेक्ट भी है। इस बंदे की इतनी महंगी गाड़ी है, ये लाल गाड़ी के साथ सीधे हाथ पे, और ये वाइट शर्ट है, उसके इंडिविजुअल ज़ात को पॉइंट आउट करना मकसद नहीं, पोर्शे क्या कहलाती है वो गाड़ी, और चंद डॉलर बचाने के लिए ना गैस लाइन में लगा। आप इतना बराबर कमा लेते होगे कि आपको यहाँ से गैस भरवाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करिए। यानी भाई हम भी खड़े हो गए, 20 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट समझो $10 की कॉस्ट आपकी बसी हो गई जो आपने $10 बचाए। मैं भी साहब जाइए 15 किलोमीटर 250 किलोमीटर पत्थरों की बेस पे बना हुआ है, गौर पुल आ गया जनाब। ये रूट आने वाले रूट से इस तरह फंस गया कि वहाँ पे झीलें पानी बहुत ज़्यादा था, यहाँ इतना नहीं, वहाँ पे घर आबादी थी, फार्म लैंड थी, यहाँ बिल्कुल भी फॉरेस्ट लैंड है, आबादी भी नहीं है, घर भी नहीं है, फार्म लैंड भी नहीं है। इसकी हाँ तुम सही बोलते थे, 6 किलोमीटर पे तो इसकी है, इस वक्त तो नहीं होगी, पता ही नहीं होगी ना इसकी गाय की जी की ब्राइट यार पहाड़ में इस वक्त घुस जाए जंगले में। ये 124 वही है जो सीधा वहां नहीं जा रहा था जहाँ से हम लोग कल गए थे इस केरी वाले, उस पर वहाँ जाता है 124, यानी बीच में से कट हो रहा है, सीधा जा रहा है वहाँ पे, से उस वाले हाईवे तक जाएगा जो जहाँ से हम वहाँ गए थे। पहली साल की तरह बोलो, दो तो मैं ऑडिट करके भी आ चुका, बोला एक बस कर भी मिल गया था मुझे $15 वाला, उससे ऑडिट करवाया मैंने। अच्छा वहाँ फिर ले जा रहे तो लेके नहीं, अच्छा दूर दूर
पहले तो 1 माइल दिखा रहा था, 400 meters. देखो यार लोकेलिटी, देखो यार बंदे, देखो यार आप बंदे चेक करो, देखो कैनेडियन डे की याद में लाल और मैरून पहले में लाल जूते पहन, जूते पहनते थे लाल मोजे, वो मोजे बोल रहा हूँ. सर सर आपकी क्या बात है, कौन सा टिम होटल ले जा रहा भाई हमें, टिम होटल ढूंढे 1 किलोमीटर दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 2-3 किलोमीटर. अच्छी लग रही है. चलो टिम होटल के चक्कर में आपने एरिया घूम लिया. और वो क्या है, पानी है, लेक देख कितनी बड़ी है, देख रहा भाई सामने देखो लेक का मंजर. हम जा रहे हैं, पीछे मुड़ना था भाई, कहाँ ले आया तू, निकल गया था जज्बात में आ गए. अबे हम पानी के अंदर ही जाते उन्होंने इसीलिए बोला भाई रुक जा भाई रुक जा यार. रीरूट कर दिया, नहीं कर दिया, यही वाली है यार, ये नहीं आगे वाली होगी. भाई ने ना, छोटे भाई ने वहाँ पे बोला गया था उर्दू में, मैं शायद तुम्हें जिक्र किया था, दाएं मुड़े, हां ऐसे भी होगा ऑप्शन, बाएं मुड़े ऐसे भी होगा ऑप्शन. मतलब ये कैसे बोला यार, सब दिया हुआ उन्होंने, इसमें होगा इसमें ऑप्शन हमारे सब तो एक ही है ना. मैं भी पाएगा सलमान भट्ट, ओ सलमान भट्ट नहीं, सलमान खान जा रहा था, बॉडी वॉडी बनाई हुई थी यार, तो वो चला रहा है ऐसे. एक पल का जीना फिर तो है आना, नहीं वो तो ऋतिक रोशन है, ऋतिक नहीं है, ऋतिक है. अब वो बोलता था ना, याद नहीं है वो शशके जो बोलता था, शशके अली नहीं था, वो बोलता था ना ऋतिक रोशन, ऋतिक देख यार यहाँ ले ले यार, ऋतिक रोशन कैलिफोर्निया भी करीब है. अभी हम पेरी साउंड में और 5 बज गए हैं शाम के, 2 जुलाई है, 3 जुलहज. एक मुझे मज़े की चीज़ मिली पीटरबरो में जहाँ मेरा दोस्त रहता है, 25 डिग्री टेम्परेचर है पेरी साउंड में इस वक्त, 18 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ हम इस वक्त हैं. टोरंटो से 250 किलोमीटर और टोरंटो में 28 डिग्री है, देख लो भाई कितना फ़र्क हो जाता है यहाँ पर. भी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताई है, क्या अच्छी हो गई बात, ये इंटरेस्टिंग हो गई, बल्कि ये मेंबर नहीं बनना लाजमी है, एम्प्लॉई होना बनना लाजमी और अकाउंट खोलना लाजमी है. जाहिर है मेंबर हो गए तो अकाउंट भी खोलोगे, क्रेडिट यूनियन कांसेप्ट ये है कि मेंबर के अकाउंट खोलता है. तो मैं तो अभी बंद करेगा तो बताऊंगा 17 बेस्ट. लेकिन आज बता देना बॉस को, 2 दफा ऑडिट हो गया और उस ब्रांच का भी हो गया. इधर पार्क कर सकते हैं ये, फिर ये क्या है, इधर मंडे टू 2 आवर लिमिट, सैटरडे क्या है, मंडे टू सैटरडे. इमरजेंसी पुलिस भी आई ना, उसने प्यों प्यों दबाया, छप्पर में घुस गया, क्या हुई है अल्लाह जाने. ये देखो भाई पार्किंग का गंदी है, सिटी पार्किंग फ्री है क्या है, मंडे टू पैसे तो कहीं भी नहीं लिखे, मंडे सैटरडे 8 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे तक लिखा बंद नहीं है. योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट, प्रॉपर्टी ऑफ 30,000 आइलैंड क्रूज. नाम है ये कह रहा हूं, 30,000 आइलैंड क्रूज होता है यहां पे. हां ये लगा दे, कोने में लगा दे, चाहिए लगा प्रॉपर्टी ऑफ है. हां तो सही है ना, यहीं आया भाई, अब उसमें जा रहे हो ना जा रहे हो एक अलग बात है. आप इतना म्यूजिक क्यों कर रहा है वहां पे, ये है 30,000 आइलैंड क्रूज लाइन, इसकी भी पढ़ लेते हैं अभी हिस्ट्री. छोटे-छोटे आइलैंड को टच करता है, 30,000 आइलैंड हो जाएंगे. 3,000 समझ रहा था.
3000 बोल रहा था ना, तो 30,000 या फिर छोटे छोटे से भी कोई होंगे ना, उसको भी कवर कर रहा हूँ मैं ये जाएगा। नजारा है यार, इसकी हिस्ट्री देखता हूँ यार। गुजरता होगा बोलता है इस तरफ राइट पे हमारे 10,000 आइलैंड है, हमने क्रॉस कर लिए 10,000 जमीन के अंदर से, और कुछ हमने तकिए किए आप पर भी ये चांद पे गुजरे। चलते हैं क्रूज पे यार, यार सूरज यू गुरु बोल रहा होगा ना, मैं नमाज पढ़ लूँ यार। ये देखिए यार, पानी में जाल दौड़ रहा है, ये भी मंदिर देखना था यार। ये भी तो लग रहा है मुझे 1900 जोड़ का राइट ब्रदर से जो पहला बनाया था ना, उसके बाद दूसरा ये था। ये रॉन्ग ब्रदर, ये रॉन्ग ब्रदर। वो जा ही नहीं पा रहा अभी तक, नहीं उड़ा अभी, मैं इसको उड़ता हुआ देखना चाह रहा। आजा आजा, क्योंकि अभी जितनी स्पीड में चल रहा है इसमें हो तो नहीं सकता। अब जब हम पहली साउंड पे है ना, इधर उनका क्रूज भी है, वो जहाज वाला मैं समझा उड़ेगा, तो कश्ती बना के चलाया जा रहा है। तो फिर मैं बता दूं, ये जो ना दुनिया की ताज़े पानी की, मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की सबसे डीप पोर्ट है, सबसे डीप पोर्ट है, ठीक है। ये मैं पहले भी यहाँ से शुरू में शहर में दाखिल हो रहा, उसके इंट्रो डिटेल मैं बोल रहा था ना, वैसा गधा चला रहा है, उसने कश्ती बना लिया उसे यार। वो जो जहाज अभी वहाँ से गया ना पहले फिल्माया, मैंने बोला जाएगा भागेगा मुंह उड़ जाएगा, उड़ने की वजह से कश्ती के तौर पर चला था वापस ले गया। कहाँ जा रहा है, हमारे पर आएगा क्या? हवा की डायरेक्शन यूं है ना, हवा यूं है ना, शायद पानी से जाल उड़ता हुआ पहली दफा देख लिया, उड़ गया। पानी में जा रहा अभी भी, ये तो उड़ाएगा टोरंटो टट्टा पहुंचने के बाद, उड़ गया। अरे तो आईफोन से बनानी चाहिए थी यार, जिस उससे जा रहा दरख्तों में चला जाए। अबे लग नहीं ना, वो देख नहीं चलाएंगे ऊपर, उतना दरख्तों क्लोज क्यों ले गई यार? ये फेसबुक का मालिक वगैरह होगा मार्क ज़करबर्ग या अनिल अंबानी या पाकिस्तान का लुटेरा, वो कौन है, मियां मंशा इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं पाकिस्तान के ठगी। जब उड़ सकते तो ये क्यों नहीं उड़ रहे? ये इनका दिल नहीं जा रहा, जैसे हम दोनों नहीं उड़ रहे, हमारा भी दिल नहीं जा रहा भी उड़ने का। तो जज्बात दे दिया ना तुमने उसको, वो वाकई में आ रहा है, तो देख लाएगा वापस। उतर भी जा भाई, टच हो गया। वाह यार, आज पानी में से जहाज चलते उतरने का नजारा भी देख लिया। इंजन की साउंड जैसी थी, हमने बोला पायलट तो मर गया, इंजन ये वाला गायब हो गया लंबा यार।
हमने बात ऐसी कर दी ना, क्या हुआ दबाई नहीं रिकॉर्ड पूरी बन गई, जो बटन दबाया तो शुरू हुई है इसको बोलना, इसको बोल दोबारा नहीं ओए दोबारा बोल, मैं तो बनाता रहा मैंने क्या बन गई दबाया वो ऊपर रिकॉर्डिंग शुरू हुई है यही होता है भाई, वो वीडियो वाला दबाया वो वीडियो खुल गई उसका रिकॉर्डिंग भी दबा रहे हैं ना वो पूरी दबाया पैरी साउंड ऑन टाइम तो जनाब 2 जुलाई हमारा ट्रिप ख़त्म, ये अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगा, क्रिकेट एक दूर है मैं जाऊंगा खेलूंगा किसी दिन इसके तरफ जाके कैनेडा में क्रिकेट, इसके पीटा में कुछ देसी जमा होगा इंडियन पाकिस्तानी वगैरह, तो पहली साउंड से बाय बाय, अपना अपना प्यारे ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना दोस्तों, नहीं भी पसंद आए बता देना, आ गए गुजर गए फायदा कर दोगे इंशाल्लाह, इंदा मिलोगे बेहतर पाओगे, 2.5 घंटे और है और अभी इसको वहाँ से आम वगैरह लेते हैं तो हमारी तरफ ना बटाला सुपर मार्केट या फूड या मार्केट है वहाँ से पाकिस्तानी आम लेगा, पाकिस्तानी आम का पता ही आपको यार, एक छोटा सा वो बताओ तुम कैलगरी में जो पाकिस्तानी गुलाब का बता देते वैंकूवर में, तो अपनी जबानी बताओ क्या देखा था तुमने उधर, क्या दुनिया भर विक्टोरिया आइलैंड है बीसी में ब्रिटिश कोलंबिया में, तो वहाँ है बुशार्ड गार्डन, तो उधर पूरे दुनिया के प्लांट वगैरह है, तो एक रोज सेक्शन भी है, तो वहाँ गुलाब के फूल हर जगह के हैं, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के हर, और पाकिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के गुलाब खास तौर पर ऐसा था जैसे हम पहुंचे तो उसकी खुशबू से ही पता चल गया कि पाकिस्तानी गुलाब है, वो हमने देखा था और वहाँ लिखा हुआ था पाकिस्तानी, हाँ हाँ लिखे हुए टैग किए हुए उन्होंने सारे टैग किए हुए थे और साफ लग रहा था तो मेरा ये बात पूछने का मकसद ये था गुलाब वाली, खाली ऐसा नहीं जबर सी मेरा मेरा मेरा, कोई भी जहाँ की चीज़ अच्छी है अच्छी बात है अप्रिशिएबल बात है, ये मैं एडिट कर दूँगा, इसने यहाँ पे जो है इसकी वीडियो बना दी है मालगाड़ी की, ट्रेन भी मालगाड़ी कहाँ से गुजर रही है, हाँ जहाज़ वगैरह की पानी पे तो जहाज उड़ा है ना, क्योंकि मेरा तो एक्शन कैम है ना, एक्शन कैम उतना जूम नहीं कर रहा था, और मेरे ख्याल पहली साउंड भी तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है, आगे कुछ थोड़ा बहुत आता है तो फिर मान लेंगे, यहीं से आए थे थोड़े से पहले स्कॉशिया बैंक के साथ, देखो भाई मालगाड़ी जा रही है, मुझे ऊपर से इसने बनाई है बहुत आगे, बस मालगाड़ी की तो वही हालत है पाकिस्तान वाली, मालगाड़ी की पाकिस्तान वाली हालत है, ये वहीं जा रही है ऊपर, सोलर पैनल लगाए हुए छत पे है, यहाँ भी बिजली महंगी हो गई है,
26,000 population. भाई टोरंटो के करीब आके आके वैसे अभी भी 70-80 किलोमीटर होगा, ट्रैफिक बढ़ गया, रोड चौड़ी हो गई, सारे दरख्त काट के बेच के खा गए ये लोग, दरख्त वगैरह काटे हैं तो घर बने हैं ना, ये लकड़ी के पोल बने हैं ना, न्यू मार्केट ये भी पॉपुलर छोटा सा सिटी है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ करते भाई, अल्लाह हाफिज़।